नागोजी ले कमाए आए जोड़ो नाव गांव जगे कमाए ग्राम नारे नाम का जो सी ब्याह करता जगे के हरिराम जी नाम का लड़का पैदा हुआ। 7 वर्ष की अवस्था के मां भगवान की सेवा में लाग जाए। एक दिन भगवान साधु को रूप धार के आके दर्शन दिया। कह लागे रे बालक के ढूंढ है मेरे महाराज भगवान मेरी सेवा में लाग रहा हूं। अरे भगवान तो होने क्या करें भगवान भगवान साक्षात रूप धार के दर्शन दे है। हरिराम जी चरणों में शीश निवा के कह लगे महाराज मेरा देश बड़ा दुखी है। सर पर बहुत उठाव है और पूरी दुनिया दुखी है। अब भगवान कह लगे अरे हरिया कलजुग का माखंड कमारो नीचे माता ने मां समझी बहन ने बहन समझी। अबे हरिराम जी और सरपा नाम बतावे है धुंधले धुरा प्रभासिक राजा सुता। अरे भोगा मगरना में पदमा नागरी महाराज इतना दुख नहीं एक सर पत्र नगुरा है खाम से कथा पीर देवता डॉक्टर में नालियो पान पासो नहीं गिरे जगह ने बांडली के आकर ही तो के शर्मा को ना और के देश की दुखियारी वार्ता हरिराम जी कह रहे Oh!
माता ने मां समझी, बहन ने बहन समझी, ऊंच नीच का भेदा भाव मैं जानती, भगवान थारी ना पार करी काम जोड़ रे मां। एक बेमो नाम भामी, भामी मार बाड़ के मारी सना कहा करें, जगह रेगरा सत्संग हो रही, हरिराम जी शाम का सत्संग में चला रहा है, सवेरे भगवान की प्रसादी खाता हुआ है, हरिराम को काको साहब और वैसा श्राण न जाए तो के हरिराम जी ने कहे और के हरिराम जी जवाब है। बस्ती भाया ने इकट्ठा कर लिया, कहने लगे रे कुड़के मां कपूत जल में
बस्ती का कहना लगे वो तो मामूली फैसलो है। तो के बस्ती का फैसलो कह है और के हरिराम जी दुखी हो जाए।
गर्भो माता मानवासी ना खाएगो एडी को भी रोटी जा रहे हो जाके भाई की हालत देखे भाई का शरीर लीला पड़ा जा है अबे बेनी में बैठा के गुगे जी का मकान ले जाए हरिराम जी आगा मिल जा कहने लगा कबो सा भाई संठे ले जाओ को अरे रिया काम से जाओ मेरा काम ना सर थोड़ी शर्म कराया करे बोले महाराज पहले मेरा वचन सुन के आगे कदम धरो तो के हरिराम जी और काको सा न कहन के काको सा जवाब बीकानेर जिले का मां एक सिरोही नाम गांव है रामलाल नाम सेठ है
रत्ना देवी सेठानी को नाम है, गायत्री देवी लड़के की औरत को नाम है, रामेश्वर लड़के को नाम है। एक दिन के समय के मां रामेश्वर ने वासक ना खा जाए गो, पूरा भारत का दे देवता मना ले पान पाछो नहीं गिरे गो। अबे दिन विजय तो जाए, एक दिन के समय के मां रामेश्वर नहा धो पूजा करके दुकान खोलने जाए, रस्ते के मां वासक नाग खा जाए। अवेली में बैठा के गुगेश के मकान ले जाए, गांव जोड़े की एक नाया की लड़की गांव सिरोही में प्रणायड़ी। अब नाया की लड़की और के गायत्री सेठानी ने कहर के सेठानी जवाब है दे। सेठानी और के नाया की लड़की ने कहे और के लड़की जवाब है विचार क्यों कलजुग कमान इसो कोई संकट देव है और वार्ता चाल नहीं है तो बेशक जाके और के सेठ जी
रामलाल और सेठानी सुसरा ने कह के सुसरो बहु न जवाब है। संकट देव नहीं अबे और रामेश्वर ने बेली में बैठा के गुगे जी का मकान ले जाही और के सेठ और सेठानी गुगे पीर की यात्रा और बड़ा बड़ा बोल बोल रहे है। Thank you.
अब सेठ और सेठानी और गुगे पीर ने मनावे हैं और बड़ी बड़ी यात्रा बोल रहे हैं, बोल वा बोलने पान पाछो नहीं गिरे। मन में विचार करो ये कलजुग कमा एक केसरो कमर भी भारी देव है। अब सेठ और सेठानी आर के केसर कमर ने मनावे है।
रामलाल सेठ और सेठानी केस रखवर ने मनामे है पान पाचो नहीं गिरे मन में विचार क्यों ना आया कि लड़की बात बिल्कुल ठीक कही बेरी जुफाली और गांव जोड़े की ओर रवाना हो जाए अब अस्थि का बैठा चर्चा कर रहे अरे कोई बीजा को व्यापारी आवे मारवाड़ के मान मतीरा के बीज को व्यापार कराया करता अब और के बस्ती का कहर के सेठ जी जवाब है व्यापारी बीज भरा जा संग है रामलाल सेठ मन में विचार करो कसा थान और मकान है बस्ती का बैठा मस्करी करे है अबे और रामलाल सेठ कहने लगा अरे बस्ती को अठे करी राम बाबा को धाम बताए बस्ती का मन में विचार करो अरे कोई वो अरियो बताओ उसको पानी डोने में और क्यों फोन पावल लाए है तो आपने ले ही कहने लगे रे सेठ जी क्यों फोन पावल लाए तो माने दे दे और मंत्र तंत्र में जाना और तन मंत्र तंत्र सारो सिखाई देश्या तो सेठ जी रीस भर जा है और के बस्ती का से कह है विचार करो अपना भाई बंधु यात्रा ठगेगा अबे हरिराम जी
और कह लागे रे सेठ जी मेरी झोपड़ी लागे भगवान रो दूनो है जारी भगवत ले जा और काचे दूध में घोल के रामे से नपा दे भगवान थारी नाव पार करी ही। अबे दूने की भगवती मान है और के बाबा की बोल वाह गायत्री सेठानी कहने लागी सुसराज जी के चढ़ाओ चढ़ायो के बोली थे बोलवा हे सेठानी 13,000 रुपया नगद बोलिया है एक मिनर चिनानु आसने है। अब कहने लगी अरमापति संपत्ति एक पलक कमा छीनी जाही कोई चढ़ाओ नहीं चढ़ायो कोई नहीं बोली थे बोलवा तो सेठानी बोलवा बोले है रामलाल सिर नाड़ी तो एक गांव का वहां एक मुज्जी मानस रिहा कर एक दिन का समय है कमा एक हिजूर पर चढ़ जा अब चढ़ने चढ़ के उतरना मुश्किल हो गयो बिल्कुल ऊपर बैठो और पीर बाबा की स्वामी बोले हे मेरा पीर बाबा शाम सो तो नीचे उतर जाऊं तो तेरी एक स्वामी अद्वीच में आयो कहने लगे बाबा स्वामी आज तो करी पार पड़े अधूने को चोर मुंह तो जरूर कर दे नीचे उतर जाए अब कहने लगे बाबा स्वामी आज तो सारी घोल में तोड़ बाकी एक नाड़ी जरूर चढ़ा दे अब मन में करना हो जाए मन में विचार करो अब बोली स्वामी नीचे आ गया नाड़ेर में कम से कम एक नाड़ेर तो जरूर चढ़ा जाके लक्ष्मणगढ़ जैसे शहर में पूछा रहे नाड़ेरा के वाह बोले भाई 5-20 साल या करा 4 में कौन देगी बोले शिखर चलो जा अब शिखर पहुंचा है मन में विचार करो पैसे नहीं देनो बाकी बिलायत पूक जावा शिखर में जाके पूछ रहे नाड़ेरा के भाव बोले 4 पैसा अरे बोले 3 में कौन देगी बोले भाई रिंग सांकड़ी पड़ा रिंग से चले जा अब रिंग से पहुंच जाए है जाके कहने लगे ना नाड़ेरा के लिए आकर हो बोले 3 पैसा 2 में कौन देगी बोले सोमू वाला यहीं फिर है सोमू पूछ जा अबे सोमू पूछ जा है जाके कहने लगे ना नाड़ेरा के लिए आकर हो बोले 2 पैसा बोले मेरी यार पैसे में कौन देगी बोले जयपुर में सारा माल सप्लाई हुआ जयपुर से ले जा मन में विचार करो सात को जयपुर जाके और जयपुर में बापू चेहरे नाड़ेरा के लिए करो बोले 1 पीसो बोले मेरी यार 70 कोस आ गया यहाँ कौन जो की पीस अंदर हो एक कुएं की नाड़ के सारे नाड़ेर को पेट और नाड़ेर भी नाड़ के वहां लटकाए कुएं में कुएं कहने लगा
मन में विचार करो आया तो अपने पीर बाबा में सकला ही नहीं नाली तो भले रूस लग रहा है। अबे जयपुर वाला कहने लगे रे भाई पीसो लगन कोई पापड़ी बोले वो पाड़ के सारे एक नाली खड़े है जगह तन पीसो उनको पाई और तू ले जा सके। मन में सोचो या तो पीर बाबा में सकला ही नहीं तो नाली बोई। अब की करे देख के पहाड़ के ऊपर पग नारियर के नजदीक चलो जाए। अब जाके नारियर का हाथ गल है तो पेड़ से पैर दूर हो जाए और नारियर के वृक्ष के और कहीं छोटा नहीं में और नारियर का नाका दाब से काटा जाए थोड़ा नहीं टूटे। अब पेड़ से पैर दूर हो जाए नीचे देखे तो निब्बा नीचे बीजो टिकट दो नहीं हो गया। मन में विचार करो जुलम हो गया एक रस्त है और भी दो नंबर लाल चीज आ रही कहने लगे बोले भाईड़ा मन बचाने तो रुपया 50 भी मन में सोचो पाड़ का सारे 50 रुपया आपने भी ले चाल नहीं जाके कहने लगे बोले भाईड़ा बचा दो मन तरी को बताए कहने लगे भाई साहब दे पाड़ के ऊपर पग और माड़ा पग पकड़ ला अपने दोनों ही का ग्रामीण यार जिना कहीं मन लोभी मन लालची मन में भयो उदास इतना लालच के कारण चली गई दो लाश बर्बाद होगी पर नाले को ना को नहीं छूटो। बाबा की बोलवा बोले हैं गायत्री कहने लगी गंठ जोड़े की जात तेरा से मेरा बाबा जी अरे कंकड़ चढ़ा से सवा लाखो। अबे गांव जोड़ डरे मां और अरियान की बहन को नाम ईरा ना हो ईरा को देवरी और हमेशा मुसला बोले। एक दिन ईरा भाई को देवर कहने लगे ये बोझाई मेरी लड़की के साथ कमा तेरी लड़की की शादी कर दी तो पीड़ा हाथ बेसक और माय रे के भरोसे बैठी रह। अबे आर के हीरा भाई को देवर कहे आर के बोझाई देवर में जवाब है।
अब कहने लग्या ये बड़े झोठड़े का जो सीमान मान खान नींदर में बजाओ टाली बावड़ी मायरे के भरोसे बैठी रहे लीना एक अंदीना ईरा भाई और सुन के देवर का बोल और के देवर ने कहे सामान उठा ले ये मैं भूखा अन महाराज ग्राम से आ चार दिन हो गया। अबे हो कि उदास भाई ना मन में विचार कियो उदेवर को बोल सदा ही मां चरेसी राम नारायण जोशी कह लाग्या ये भाई एक उपाय जरूर है आपने ये करिए कि बनियान थी जरूर बड़म है और जाके और अरियन होते तो केवरो कौन पावलो घाली कहने लगी पिताजी थे मारो भरी दियो अरियोरा खोडा बैठे अचार और दोबारा का और गाल दियो। अबे और के भाई ईरा और अरियाम जी ने बिलाप करे है और के बात हो गया ना Thank you.
बैठो कौन उदासी माने वो के उदास भाई हीरा और पाची घर ने रवाना हो जा है और के हरी राम बाबा ने बिला Thank you.
ये जोड़े को बात किसो कासी बोझाई कतरा गालसी रोकड़ी बहुत के उदास भाई और हीरा मन में विचार करो। अरे मेरे पर से गिर के मरनो अच्छे है जय कमा हरिराम जी और हाथ कमा चिठियो पैर उबाना और कुएं के ऊपर चादर लेके रवाने और आ जा है देख के बाबूजी को शाम और के देवर और बाबूजी ने कहर के बाबूजी देवर ने जवाब है देख के मन में विचार करियो जुलम हो गया तो के भाई और हरिराम बाबा ने कहे देवर कहने लगे रिपिया भरियो थाल और ले जा मेरी भौजाई ए बाबा जी का तिल के असार दे। अब रिपिया को भरियो थाल लेके हरिराम बाबा के तिल करे है और के हरिराम बाबो भाई ने कहे विचार करियो खाली थाली में के चिट्ठियो धरे गो या चादर धरे गो इके पास कमा एक पावली को सिली को गोला गने अब खाली थाली लेके साथ कमा और भाई हरिराम का तिलक करे हैं और के हरिराम जी बाई के मारो Oh!
रुपया बरसन लगा वादू जड़ी लगाई। रामलाल से 13,000 रुपया नगद चढ़ा वो थाली कमा बरसा दी और 1,25,000 को सेठानी एक कंकड़ चढ़ायो जगह की चौंदड़ी बन जाए। अब रुपया बरसन लगा वादू जड़ी लगाई अरे चुनरी उड़ा दी सवा की। अबे देख के हीरा भाई को देव मन में विचार करो रे वो तो बाबू जी नहीं है कोई भगवान है। अबे अर के भाई हीरा अर गांव जा के जोशा का अर के बदावा गावे मजरा